दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि किसी भी टीम के लिए जितने इम्पोर्टेंट इंडियन प्लेयर होते हैं उतने ही इम्पोर्टेंट फॉरेन प्लेयर्स भी होते हैं। हर बार की तरह आईपीएल 2022 में भी सभी टीमों ने करोड़ों रुपए खर्च करके खिलाड़ियों को खरीदा है, जिसमें लगभग हर प्लेयर ऊंचे दर्जे का है। तो चलिए दोस्तों इस ऑल टीम्स ओवरसीज प्लेयर्स का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपसे हमारे कोई भी ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिस ना हो सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आईपीएल के सभी टीम्स के फॉरेन प्लेयर्स के बारे में जानते हैं। नंबर एक, चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों चेन्नई ने 2022 के ऑक्शन में सिर्फ एक ही विदेशी खिलाड़ी को रिटेन किया था, वो थे इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली। मोइन अली को सीएसके ने 8 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया था। सीएसके ने टोटल 8 विदेशी खिलाड़ियों को इस ऑक्शन में खरीदा है, जिसमें वेस्ट इंडीज के मीडियम पेसर ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो, न्यूजीलैंड के बैट्समैन डेवन कॉनवे और एक इंग्लिश ऑलराउंडर क्रिस जॉर्डन, न्यूजीलैंड के स्पिनर मिशेल सैंटनर और न्यूजीलैंड के ही फास्ट बॉलर एडम मिलने शामिल हैं। नंबर दो, मुंबई इंडियंस। दोस्तों चेन्नई की ही तरह मुंबई इंडियंस ने भी सिर्फ एक ही खिलाड़ी को रिटेन किया था। उस खिलाड़ी का नाम केरॉन पोलार्ड है। इस धाकड़ वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर को मुंबई ने 6 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया है। इसी के साथ ही मुंबई ने ऑक्शन में और 7 खिलाड़ियों को खरीदा है, जिसमें साउथ अफ्रीका के छोटे एबी डिविलियर्स यानी डेवाल्ड ब्रेविस, वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर फेबियन एलन, सिंगापुर के धाकड़ बल्लेबाज टिम डेविड, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज रिली मेरेडिथ और ऑलराउंडर डेनियल सैम्स, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज टिमल मिल्स और इंग्लैंड के ही तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को इस साल अपनी टीम में शामिल किया है, वो भी 8 करोड़ रुपए की भारी भरकम सैलरी देकर। हालांकि जोफ्रा आर्चर इस साल चोट की वजह से आईपीएल नहीं खेल पाएंगे, फिर भी मुंबई ने अपनी ओर से जोखिम भरा दाव लगाया है। नंबर तीन, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। सीजन 1 में खेलने वाली आरसीबी आज भी अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी तलाश रही है। पिछले साल के स्टार प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी ने इस साल भी रिटेन किया है और इस साल के ऑक्शन में आरसीबी ने कुल 8 खिलाड़ियों को खरीदा है, जिसमें साउथ अफ्रीका के और आईपीएल के भी स्टार बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस को 7 करोड़ रुपयों में खरीदा है। न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज फिन एलन को, वेस्टइंडीज के शेरफेन रदरफोर्ड को, श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा को, इंग्लैंड के डेविड विली को और ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड और जेसन बेरेंडॉफ को अपनी टीम में शामिल किया है। नंबर चार, कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता ने तो इस सीजन में 2 ओवरसीज प्लेयर्स को रिटेन किया है, जिसमें दोनों ही प्लेयर्स वेस्ट इंडीज के प्रमुख ऑलराउंडर्स हैं, जिसमें आंद्रे रसल और सुनील नरेन शामिल हैं। केकेआर ने रसल को 12 करोड़ में तो सुनील नरेन को 6 करोड़ में रिटेन किया है। बाकी ऑक्शन की बात करें तो केकेआर ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को 7 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में वापस शामिल किया है। साथ ही इंग्लैंड के विकेटकीपर बैट्समैन सैम बिलिंग्स और ओपनिंग बैट्समैन एलेक्स हेल्स को भी खरीदा है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी, श्रीलंका के मीडियम फास्ट बॉलर चमिका कुणरत्ने और अफगानिस्तान के स्पिनर बैट्समैन मोहम्मद नबी को भी अपनी इस टीम में शामिल किया है। नंबर पाँच, दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली ने भी कई टीमों की तरह अपनी टीम में भी सिर्फ एक ही विदेशी खिलाड़ी एनरिज नॉटजे को 6 करोड़ रुपयों में रिटेन किया था और ऑक्शन में दिल्ली ने ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक और आईपीएल के जबरदस्त बल्लेबाजों में से एक डेविड वार्नर को खरीदा है और ऑस्ट्रेलिया के ही धाकड़ ऑलराउंडर मिशेल मार्श को खरीदा है। न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बैट्समैन टिम सीफर्ट को, वेस्टइंडीज के रोबमैन पावल को और बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान और साउथ अफ्रीका के एनगिडी को खरीदा है। नंबर छह, लखनऊ सुपर जायंट्स। इस साल की नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऑस्ट्रेलिया के बिग हिटर ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को, लखनऊ ने आईपीएल ऑक्शन के पहले ही ड्राफ्ट के जरिए 9 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम के साथ जोड़ लिया है। इनके साथ ही साउथ अफ्रीका के क्विंटन डीकॉक को, वेस्टइंडीज के एविन लेविस को और साथ ही वेस्टइंडीज के 2 और खिलाड़ी काइल मेयर्स और जेसन होल्डर को भी इस टीम का हिस्सा बनाया है और इंग्लैंड के खतरनाक तेज गेंदबाज मार्क वुड और श्रीलंका के दुश्मंता चमीरा को भी अपनी टीम में शामिल किया है। नंबर सात, राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान ने इंग्लैंड के विकेटकीपर और प्रमुख बैट्समैन में से एक जॉस बटलर को 10 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया है।
जॉस के साथ ही राजस्थान ने कुल 8 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें वेस्टइंडीज के शिमरन हेटमायर, साउथ अफ्रीका के रेसी वैन डेर ड्यूसन, न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ियों में तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और ऑलराउंडर में जेम्स नीशम और डेरल मिचेल शामिल हैं। वेस्टइंडीज के ओवेद मेकॉय और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन कुल्टर नायल भी इस टीम का हिस्सा है। नंबर 8, पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने इस साल एक भी विदेशी खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया है, और ऑक्शन की बात करें तो ऑक्शन में पंजाब ने कई सारे शानदार खिलाड़ी खरीदे हैं, जिसमें इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेरिस्टो, ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टन, श्रीलंका के भनुका राजपक्षे को, वेस्टइंडीज के एडन स्मिथ को, साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा को, ऑस्ट्रेलिया के नाथन एलिस को और इंग्लैंड के बेनी होवेल को भी पंजाब ने इस साल अपनी टीम में शामिल किया है। नंबर 9, सनराइजर्स हैदराबाद। दोस्तों, सनराइजर्स ने तो अपने कप्तान केन विलियमसन को पहले ही रिटेन किया था। सनराइजर्स ने केन को 14 करोड़ रुपयों में रिटेन किया है, और बाकी प्लेयर्स की भी बात करें तो उन्होंने वेस्ट इंडीज के विकेटकीपर बैट्समैन निकोलस पूरन को, साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बैट्समैन ग्लेन फिलिप्स को और एक बैट्समैन एडन मार्करम को और बॉलिंग ऑलराउंडर मार्को जेंसन को, वेस्ट इंडीज के बॉलर रोमैनो शेफर्ट को, अफगानिस्तान के बॉलर फजल हक फारूकी को और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज सीन एबॉट को अपनी टीम में शामिल किया है। नंबर 10, गुजरात टाइटंस। अब दोस्तों, सबसे लास्ट में हम देखते हैं इस साल की दूसरी नई टीम गुजरात टाइटंस को। ओवरसीज प्लेयर्स के बारे में, गुजरात टाइटंस ने ड्राफ्ट के जरिए पहले ही राशिद खान को रिटेन किया है। उसके बाद ऑक्शन में गुजरात ने साउथ अफ्रीकन बैट्समैन डेविड मिलर को, इंग्लैंड के बैट्समैन जेसन रॉय को, ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड को खरीदा है। गेंदबाजी में गुजरात ने लॉकी फर्ग्यूसन को, अफगानिस्तान के स्पिनर नूर अहमद को और वेस्टइंडीज के डोमिनिक ड्रेक्स और अल्जारी जोसेफ को खरीदा है। दोस्तों, इनमें से आप किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं या करते थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट आईपीएल टीम का नाम भी लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।